साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है और कविताएं हमारे जीवन पर आधारित घटनाओं से हमें प्रेरित करती है। ऐसे में हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने और कवि का हौसला बढ़ाने का काम समय समय पर कई एनजीओ और संस्थाएं करती रहती है। आज हिंदी साहित्य को एक मुकाम पर ले जाने के लिए कई साहित्यकार और कवि निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में मुंबई से सटे मीरा रोड में केशा फाउंडेशन द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के मशहूर सुप्रसिद्ध कवि दीपक गुप्ता के सम्मान में कई कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। तो वहीं संस्था द्वारा समाज में विशेष योगदान देने वाले कवि, साहित्यकार एवं पत्रकार, गीतकार को सम्मानित भी किया गया। केशा फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और पत्रकारिता जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। साथ ही बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज। आओ पुष्प लाया हूँ चुनकर, मावणी स्वीकार करो अपने ज्ञान की ज्योति से, माँ अंतर मन उजियार करो, अंतर मन उजियार करो। मेरी खामोश मोहब्बत से बगावत न करो, मेरी खामोश मोहब्बत से बगावत न करो। आंसू दिल की जमीन छोड़ के हिजरत न करो। मैंने उर्दू के मसल्ले पे गजल लिखी है, मैंने उर्दू के मसल्ले पे गजल लिखी है। बेवजू हो के मेरे शेर समाप्त न करो। मन के बादशाह हैं अपन और मन से पीर हो गए, फितरतन अमीर हैं अपन, फितरतन कबीर हो गए। ये मुंबई शहर है, यहाँ की फितरत में ये है कि कार्यक्रम में सारे लोग उत्सव धर्मी हैं, उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और उसमें कविता पढ़ने वाले लोग और कविता सुनने वाले लोग दोनों की भागीदारी खूब होती है। तो ये उत्सव धर्ता को सलाम, मुंबई शहर को सलाम। ये जो हमारे देवा दत्ता जी हैं, इनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो सबको उसके जिसको सम्मान मिलना चाहिए कवियों को, उनको सम्मानित करते हैं, नए नए कवियों को भी लाकर के इनको मौका देते हैं। और अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग को बुला करके बेवजह खूब सम्मानित करते हैं, ये उसकी उत्सव धरता का एक अंग है और हमें लगता है कि उसको हम सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, केशा फाउंडेशन के बारे में पहले मैं बताता हूँ। केशा फाउंडेशन मैंने अपनी माँ के नाम से, मेरी माँ का नाम केशा देवी था, तो मैंने एक फाउंडेशन बनाया जिसमें कवि साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी तरह की गतिविधियाँ मैं करता हूँ। गरीब लड़कियों की शादी में मदद, बच्चे की शिक्षा में मदद, और इसी का एक हिस्सा है कवि सम्मेलन। और ये कवि सम्मेलन इस तरह से प्लान विचार में आया कि दीपक गुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि बम्बई में है हमारे बीच, उस दिन उनका कोई प्रोग्राम था और दीपक गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने बोला कि आप आ रहे हैं तो आपके सम्मान में एक प्रोग्राम हो जाए और कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर मैंग जी मेरे पिता तुल्य हैं बम्बई में, कुछ लोग जो मैंने कमाए उसमें एक मैंग जी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, आश्क दादा, अमर जी। तो फिर बात हुई और हमने प्रोग्राम तय किया, तो हमने उसमें दीपक गुप्ता हैं, उसमें इब्राहिम आश्क साहब हैं, आरती सैया हैं, जाकिर हुसैन रहबर हैं, रुचि दरौलिया हैं, सरिता चौरसिया हैं और मैं हूँ खुद, प्रमोद कुमार कुश हैं, जिसका संचालन करेंगे आज के कवि सम्मेलन का। और इस तरीके से ये प्रोग्राम की प्लानिंग हुई और ये प्रोग्राम हमने तय कर दिया और आज आपके सामने है। नहीं, समाज के लिए देखिए, मैंने जो कवि सम्मेलन का आपका प्रारूप देखिए, इसमें मैंने दीपक गुप्ता बाहर से हैं और इसमें मैंने उन नए लोगों को भी शामिल किया जिनको मंच कोई नहीं देता है। तो ये इस हमारा ये इस तरह से अलग कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नामों को बुला लिया जाए और वो वही चुटकलेबाजी हो कवि सम्मेलन में। एक स्तरीय कवि सम्मेलन है इसमें, आप इसमें सरिता चौरसिया नहीं है, जाकिर हुसैन भी नए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं जाकिर हुसैन, आरती जी नहीं हैं, ये सब नए लोग हैं। दरअसल क्या है कि ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, विरासत है, और ये विरासत जो है जैसे भी आगे बढ़ती रहती है तो अच्छा लगता है। इसी से हमारे समाज की पहचान होती है और समाज वही अच्छा होता है
जिसमें ऐसे साहित्यिक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं, तो ये केशा फाउंडेशन जो ये प्रोग्राम कर रही है, ये इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। हिंदी साहित्य को मैं अच्छी जगह पर ही देखता हूँ, क्योंकि ये तो हर दौर में रहा है, और जो संजीदा राइटर्स होते हैं, संजीदगी से लिखने पढ़ने वाले होते हैं, वो तो उंगलियों पे गिने जाने वाले ही होते हैं हमेशा हर दौर में, और उन्हीं से मतलब साहित्य जो है परवान चढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो आज भी ऐसे संजीदा लोग हैं लिखने वाले, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। उनकी गिनती भले ही कम हो, लेकिन काम हो रहा है अभी तो। हाथ से कुछ दिल पे ऐसे हो गए, हम समंदर से भी गहरे हो गए, बैठे बैठे दिल जो भर आया कभी, रो दिए बच्चों के जैसे हो गए। देव एक सकारात्मक व्यक्ति है, और फाउंडेशन उनकी माताजी के नाम पर है, और आज के युग में अगर कोई बच्चा अपनी माता के नाम पर इस तरह के फाउंडेशन के साथ उसके बैनर पर सभी बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को जोड़ने का काम कर रहा है, उसके लिए स्वतः ही दिल से शुभकामनाएं भी निकलती हैं और बधाई निकलती है, और ऐसा सतत प्रयास वो करते रहें। और मैं भी एक मित्र के नाते, एक साहित्यकार के नाते यथासंभव उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बड़ा क्या कहते हैं कि तुरंत वाला भाव आपने पूछा है, और मैं बहरहाल दो मिसरे ये कह देता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा किरदार मरता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे बैनर लिए चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो बैनरों के बहाने बहुत कुछ कर रहे हैं, कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूँ सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, और आना जिंदा है अगर तुझमें तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझमें कि जो हर बार मरता है। केशव फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पिछले एक दो वर्षों से मीरा रोड जो है साहित्य और संस्कृति का केंद्र बनता जा रहा है, साहित्य की और कला की जितनी भी विधाएँ हैं उन सब को लेके इस कक्ष में, विरंगला केंद्र में हम कार्यक्रम करते रहे हैं। केशव फाउंडेशन का ये पहला कार्यक्रम है, चूँकि साहित्य को प्रमोट करना, साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। आज जैसे समाज में हम लोग घिरे हैं, जहाँ ढेर सारी विविधताएं हैं हमारे सामने, लेकिन साहित्य से हमको क्षणिक ही सही आनंद मिलता है, और अगर साहित्य भरपूर साहित्य हो जाए, हमारी परंपरा में भी हो रहा है, भविष्य के लिए भी, तो जो नई पौधे हैं उनको, अश्क जी जैसे लोग इस मंच पर हैं, उनको सुनना, उनको पढ़ना, पढ़ते हुए देखना, एक गौरव अनुभव करना है, तो ढेर सारे भविष्य के बीज जो है अंकुरित होंगे उनमें, इस उम्मीद के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत ही यशस्वी होगा। देवदत्त देत बहुत उत्साही हैं, पूरे देश भर के कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ करते हैं, उनके मन में साहित्य को लेके ढेर सारी उत्कंठा है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग भविष्य में भी बढ़िया कर सकेंगे। ऐसे समय में जब कवि कहता है कि कान्हा बंसी को न ठुकराएं तो फिर गीत लिखूं, राधा सड़कों पर न आए तो फिर गीत लिखूं, मुझे सर्पों ने नहीं आदमी ने काटा है, ये जहर काश उतर जाए तो फिर गीत लिखूं। ऐसी व्यवस्था में जब आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है, ऐसे में गीत पढ़े जा रहे हैं, और वो गीत आदमी को फिर आदमी बनाने की नई कवायद है। मुझे लगता है कि केशा फाउंडेशन के देवदत्त देव ये आज संदेश देने में कामयाब हुए हैं, जब दीपक गुप्ता जी को गाज़ियाबाद से बुलाकर और अलग अलग क्षेत्रों के धुरंधर कवियों को मीरा भाईंदर जैसी जगह पर लाकर, इसे मीरा भाईंदर को लोग आध्यात्मिक नगरी भी बोलते हैं, सांस्कृतिक नगरी भी कहते हैं, और अब साहित्यिक भी नगरी बनने जा रही है। ऐसे में नए कवियों को एक अलग दुनिया में ले जाने की कोशिश की है, वो साधुवाद के पात्र हैं।